एक्सरसाइज 2.2 था 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टेन इनवर्स एस माइनस वन बाई एस माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एस प्लस वन बाई एस प्लस टू इक्वल टू पाई बाई फोर दिया है। हमें एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फिर जो 14 में भी हमने लगाया था हमारे पास फार्मूला एक था कि हमारे पास साइन ए प्लस बी था, एक फार्मूला था। वैसे इसमें भी हमारे पास एक फार्मूला है टेन इनवर्स एस, जटिल जटिल टेन इनवर्स ये कम्प्लीट तो एस मान लेते हैं, प्लस टेन इनवर्स वाई ये कम्प्लीट तो वाई मान लेते हैं। तो ये फार्मूला आप तो पता ही होगा वैसे, टेन इनवर्स एस प्लस वाई बाई वन माइनस एस वाई पता ही होगा आप तो टेन इनवर्स ये पूरा एस मान लीजिए और प्लस टेन इनवर्स ये पूरा वाई मान लीजिए। तो टेन इनवर्स एस प्लस टेन इनवर्स वाई हमारा पास क्या है, टेन इनवर्स एस प्लस वाई बाई वन माइनस एस वाई ये हमारे पास था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिखेंगे हम लोग टेन इनवर्स, ये वाला टेन इनवर्स मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए एस, तो एस क्या था, ये पूरे तो मैंने एस माना था ना, इस कम्प्लीट तो मैंने एस माना था और इस कम्प्लीट तो वाई माना था या नहीं माना था। तो यहाँ पे एस जगह पे मैं ये पूरा कम्प्लीट लिखूँगा एस माइनस वाई बाई एस माइनस टू, एस माइनस वन बाई एस माइनस टू प्लस ये पूरे तो वाई वाला, तो वाई वाला टर्म एस प्लस वन बाई एस प्लस टू अपॉन वन माइनस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो एस माइनस वन अपॉन एस माइनस टू इंटू एस माइनस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा और सब तो इक्वल तीसते हैं, इक्वल है पाई बाई फोर थे। अब थोड़ा एलसीएम एलसीएम ले लेते तब टर्म त्रुटि होने वाला है थोड़ा सा, तो वो आप अच्छे से देख लीजिए। कैंसिल आउट हम लोग तैसे करेंगे, टेन इनवर्स एलसीएम लेते हैं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आपको उम्मीद करता हूँ पता होगा। एस प्लस टू प्लस एस प्लस वन इंटू एस माइनस टू अपॉन एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू। क्लियरली इस साइड भी हम लोग करेंगे, ये दोनों तो एल सी एम आएगा तो इस दोनों तो वन के साथ मल्टीप्लाई करते कम्प्लीट एल सी एम ले लेंगे। एल सी एम तो लेना उम्मीद करता हूँ पता होगा आप तो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ आ जाएगा माइनस एस माइनस वन इंटू एस प्लस वन अपॉन क्या आएगा एस माइनस टू इंटू एस प्लस टू। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, अभी ही कैंसिल आउट हो गया, दिख रहा है ना इक्वल टू पाई बाई फोर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये तब अब हमें सिंप्लीफाई करना है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो हमें सिंप्लीफाई करना है तो टेन इनवर्स ये देखिए सिंप्लीफिकेशन, आप सिंप्लीफिकेशन देखिए अब आप ये दोनों तो ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर प्लस एस माइनस टू प्लस ये दोनों का बैठे खोलते हैं तो क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू अपॉन ये दोनों का बैठे हैं तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर एस का स्क्वायर बी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी वही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही रह जाएगा, तो ये ऐसे हो गया इक्वल टू पाई बाई फोर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ फिर मुझे स्पेस नहीं है मेरे पास, मुझे इरेज करना पड़ेगा फिर। तो टेन इनवर्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एस स्क्वायर माइनस टू माइनस टू माइनस फोर अपॉन एस स्क्वायर और माइनस एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस फोर और प्लस वन, तो माइनस थ्री इक्वल टू पाई बाई फोर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ आप कंप्लीट देख लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो, यहाँ जो मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, तो अब मैं ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ, तो ये इरेज हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे टू था, ये मैं ऊपर अब सॉल्व करूँगा, अब मैं ऊपर यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है। तो आप कंप्लीट देखिए दोनों साइड देखिए, यहाँ पे टेन इनवर्स था, अगर मैं यहाँ पे टेन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर मैं टेन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टेन पाई बाई फोर हमारे पास वन आ जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी टेन से और यहाँ पे भी टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं यही लिख देता हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग टेन बोथ साइड, ये मैंने लिख दिया ऑन मल्टीप्लाइंग टेन बोथ साइड, यही मैंने लिखा है। तो अब देखिए आप कैसे होता है, तो देखिए टेन
इनवर्स लॉन्ग ब्रैकेट 2s² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 10π/4। दोनों साइड मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया है तो 10π/4 तो 1 ही हो जाएगा, ये 1 ही हो गया और 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाते हैं 2s² माइनस 4 अपॉन माइनस 3। तो माइनस 3 उधर लेते चले जाएंगे तो वो तो देखिए माइनस 3 मैं उधर लेते चला जाऊँगा, क्लियर है माइनस 3, या फिर मैं इसको इधर उधर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या बचा, 2s² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 बचा, ठीक है। तो अब ये माइनस 3 तो मुझे हटाना है, माइनस हटाना है तो माइनस 3 मैं तरह क्या करूँगा, ऊपर भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस, अगर मैं ऊपर से कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ 4, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, यहाँ पे माइनस 4 था तो वो प्लस 4 हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस 2s² अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1 और माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या बचा, 2 s² इक्वल टू 3। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो अब आप सिंप्लीफिकेशन देखिए, तो 4 - 2s² इक्वल टू 3 आ गया, तो मतलब क्या हुआ 2s² प्लस, ये मैं उधर लेते चला जाता हूँ, 2s² उधर लेते चला गया और 4 इधर लेते चला आता हूँ। देखिए 4 यहाँ है तो 4 और 3 इधर ले आया, माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2s² उधर लेते चला गया तो 2s², समझ में आया। मैं इसलिए मैं स्टेप छोड़ तो लिखूंगा तो आप तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं स्टेप छोड़ ले रहा हूँ ताकि आप तो कम्प्लीट समझ में आए। तो 4 - 3 यहाँ पे 1 हो गया इक्वल टू 2s² हो गया, क्लियर। तो अब ये 2 इधर लेते जाऊंगा तो 1/2 इक्वल टू s², स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगता है तो s इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 इज आवर आंसर। तो s की वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√2, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। कंप्लीट आप तो नज़र आ रहा है, नहीं तो जितना है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 10 मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तो वो आप तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल तो सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 16 2.2 था, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये हमें दिया है, क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन s क्या होता है, s होता है, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाता है तो सिर्फ s बचता है। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग करने वाले हैं, साइन इनवर्स और साइन ये तो बस हट जाता है तो सिर्फ हमारे पास बचे जाते हैं, हमारे पास बचेगा सिर्फ ये टर्म। लेकिन ये देखिए हमारा s साइन जो होता है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, -π/2 से π/2 तक बिलोंग करता है, पर ये 2π/3 है, मतलब क्या हुआ 2 × 180/3, तो इस तो काटेंगे तो 60, तो ये कितना आया 120। तो ये -90 से +90 के बीच में नहीं है, तो हमें पहले इसे -90 से +90 के बीच में लाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो π - θ जो करना पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री के बाद हर एंगल का जो आइडेंटिटी थीटा होता है, जो जिस डिग्री पे वैरी करता है वो रिपीट करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए हम लोग 180 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए तो साइन इनवर्स साइन π - 2π/3, तो साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं हम लोग। अब π/3 देखिए, π/3 क्या है, मतलब क्या 180/3, मतलब क्या 60 -90 से +90 के बीच में लाई करता है, मतलब ये सही है, ये बिलोंग नहीं करता था और ये बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा ये मतलब सही जा रहे हैं हम लोग सही जा रहे हैं। तो अब हम देखिए ये हमारा क्या था, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास ये देखिए यहाँ से शुरुआत हो, मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू दिस और ये इक्वल टू दिस, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3 डायरेक्टली लिख दिए। इसका ये मतलब ये तो हम लोग तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या π/3, तो इसका फाइनल वैल्यू बोला था ना, तो इसका आंसर क्या है π/3, आंसर क्या है π/3, हमारे पास आंसर है π/3। तो इसमें बस समझने वाला ये थी बात था कि जब भी रेंज में ना हो तो हमें रेंज में लाना पड़ेगा, और रेंज कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये देखिए
मैंने इस बारे में डिस्कस किया था जब बेसिक बताया था, साइन का क्या रेंज है, तौस का क्या, तौसेस का क्या, सित का क्या, टेन का क्या और तौर का क्या, सबका रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने बताया था। अब ये देखिए 180 के बाद ये रिपीट करना शुरू हो जाता है, माइनस साइन लगने लग जाता है, माइनस साइन लगते रिपीट करना शुरू कर देता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये दो चीज़ मैंने बताया था, आप तो देना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए रेंज ये है, साइन इन्वर्स, टॉस इन्वर्स था, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले पहले वीडियोज में। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इन्वर्स 3π/3। हमें दिया हुआ है 10 इन्वर्स 10 3π/4, ये हमें दिखे है, क्लियर है। तो हमें क्या, हमें इसमें पता है कि 10 इन्वर्स 10s क्या होता है, s होता है, ये हमें पहले से ही पता है। 10 इन्वर्स 10s इक्वल टू s हो गया, जिसका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2 हमारा रेंज होता है, ये भी हमें पता है। तो हमें दिया है 10 इन्वर्स 10 3π/4। अब ये देखना है तो ये जो है इस रेंज में लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है, पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा। तो 3π/4 ये रेंज देखना पड़ेगा इसका, कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, रेंज इसका लाई कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में या नहीं। तो 3 × 180/4 क्लियर है। तो 3 × 4 = 16, 3 × 5 = 45 × 3। तो 45 × 3 मतलब ये पत्ता रेंज लाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं लाई कर रहा है, यदि 45 × 3 कितना होगा, 135 होगा, होता या नहीं होता, 135 होगा। तो ये -90 से +90 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो हमें पहले इसे लाई कराना पड़ेगा, ये 135 में लाई कराना पड़ेगा -90 से +90 के बीच में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10 इनवर्स 10 3π/4 हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है, हमें पता लगाना है, अब सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करें ये समझ में नहीं आ रहा था, कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आप देखिए 10 इनवर्स, तो अगर हम ऐसे लिख दें -3π/4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आप बोलोगे नहीं लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिख सकते हैं। ये आप देखिए, हमें पता है -θ = -10θ होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे थे -10θ, -10 अभी ये माइनस कंसीडर मत करो, 10θ, तो इसको -10θ लिखेंगे। तो मतलब क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स माइनस रहने देते हैं, और ये 10θ क्या लिखेंगे, -10θ। तो 10θ मतलब 10θ क्या है, तो 3π/4। तो देखिए 10θ, तो हम लोग 10θ ले सकते हैं, तो 3π/4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 10 3π/4 ये यही बन गया, तो मैं मतलब हम लोग ले सकते हैं, ये यही तो बन गया, ये जो है और ये जो है सेम है या नहीं है, सेम है, तो हम लोग मतलब लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा आंसर जो होगा, वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो देखिए 10 इनवर्स -10 -3π/4 था हमारे पास, तो -10π - π/4 लिख सकते हैं इसको, π - π/4 तो देखिए π - π/4 तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होता है 4π - π/4, तो 3π/4 यही तो आ गया, यही आ गया ना, और माइनस ऑफ माइनस तो सेम ही हो गया, तो यही तो आ गया। तो ये तक है, तो ये तक नहीं है, हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स -10π/4 क्लियर है, क्लियर है। तो फिर आप देखिए -10θ क्या होता है, 10 - θ, तो 10 इनवर्स 10 - θ, तो माइनस, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, -π/4 बचा। तो ये तिश्ते इक्वल है, ये इक्वल है 10 इनवर्स 10 3π/4, तो इसको इक्वल टू तिश्ता है 10 इनवर्स 10 3π/4, ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारा हो गया आंसर, ये इक्वल हो गया दोनों, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 इनवर्स 10 3π/4 क्या आ गया, -π/4, ये हमारा आंसर आ गया।